हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ढेर सारे कपड़े लेकर बैठी हूँ, वॉश कर दिए थे तो सारे ड्राई हो चुके हैं। और मैंने ना बीच में अभी करे नहीं थे फोल्ड, तो मैंने सोचा चलो आज इकट्ठे फाइनली सबको निपटा देती हूँ। तो बस सब कपड़े फोल्ड करके फिर मैं इसको अलमारी में सेट कर दूंगी। और अभी है ना दोपहर का टाइम है और हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि लैंडलॉर्ड ने बोला है कि घर को डिसइंफेक्शन कराना है सडनली प्लान। तो जो भी अभी क्या टाइम बहुत कम है, तो जो भी मुझे जैसा भी समझ में आए मैं फटाफट अपना ये कपड़े वगैरह अंदर रख करके अलमारी मैंने खाली कर दिए। जो बच्चों के टॉय वगैरह है वो सारे मैंने भर दिए बॉक्सेस में, और जो भी समझ में आता है वो बस मैं फोल्ड कर दे रही हूँ, चादर से कवर कर दे रही हूँ। क्योंकि डिसइंफेक्शन होगा तो बच्चों के खिलौने वगैरह पे भी होता है ना, तो थोड़ा सा सही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सब में चादर कवर कर दी जितना हो सकता है। बच्चों के टॉय है, बेडशीट वगैरह मैंने हटा दी है। घर में हो रहा है डिसइंफेक्शन, हस्बैंड डिसइंफेक्शन करा रहे हैं और बोला कि एक घंटे तक बच्चों को कहीं बिजी करना पड़ेगा घर से बाहर ले जाकर। तो बस मैं इनको पार्क में लेके आ गई थी घर के नीचे ही, तो वेदर भी अच्छा था तो बस बच्चे पार्क में खेल रहे थे। और बोला कि एक घंटे के बाद आप है ना विंडो वगैरह खोलने को बोला, तो बस मैं आ गई बच्चों को लेके। फिर मैंने विंडो वगैरह खोल दिए हैं वेंटिलेशन करने के लिए। और सारी जो जो मेन मेन चीज़ें थी, जैसे बेड है, कबर्ड है, जो यूज़ होता है रेगुलर डोर्स वगैरह, उनको मैंने क्लीन कर दिया है, मोप कर दिया, घर में बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। आज तो सूरज देवता भी मेहरबान है, इतनी रोशनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी क्लिप में, मैंने जो रिकॉर्ड की है, कितनी ज़्यादा इसमें धूप है, धूप की वजह से ब्लरनेस आ रही है। सारी चीज़ें क्लीन होने के बाद है ना, फिर हमने प्लान किया कि मार्केट निकल जाते हैं। मॉल में हम लोग निकल गए थोड़ा और टाइम स्पेंड कर, क्योंकि नाइट का टाइम है, इवनिंग तो हो ही गई थी, तो ऑलमोस्ट फिर नाइट में थोड़ा सही नहीं होता है ना। तो हम लोग मॉल के लिए निकल गए खिड़की वगैरह खोल करके। तो जो भी इसमें जो स्टरलाइज हुआ था घर, तो सारी एयर वगैरह निकल गई थी बाहर। और बस फिर हम लोग वहाँ आ गए और अपना ग्रॉसरी से रिलेटेड जो भी हमें सामान चाहिए था थोड़ा बहुत खो लिया। और वहीं से मैंने ये पैन, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ये पैन ख़रीदा, सही मिल गया, बढ़िया है। कलरफुल फिशेज है ना, तो इसको देख के हैप्पी, बहुत हैप्पी हो रहा है और उसे बहुत मज़ा आ रहा था, उनसे बहुत बातें कर रहा है। और साक्षी को भी हमने बिज़ी कर दिया निशानेबाजी में, तो वो भी अपना बिज़ी थी, बच्चे को कैसे भी करके हमने बिज़ी रखा और टाइम अपना यूज़ हो गया हमारा अच्छे से। और इसके बाद हम आ गए इधर, सामान ख़रीदना था घर का, कुछ बटर वगैरह, कुछ हमने फ्रेश वेजीज भी ली। तो बस ट्रॉली लिया और बच्चों को उसमें बैठा दिया और आराम से अपना धीरे धीरे जो भी चाहिए था घर का रेगुलर बेसिस पे जो चाहिए होता सामान वो हमने परचेस कर लिया। और वहीं पे मुझे एक ये पैन पसंद आया। Thank you.
पैन मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा चलो कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं, यही होता है हम इंडियन फैमिलीज में। बट मैंने सोचा मीठे से ना करके कुछ हेल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी सोचा है मैंने कि मैं इसमें बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साबूदाना को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया आधे घंटे के लिए, और पानी इतना ही रखना है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम ही रखना है ताकि बस ये भीग जाए अच्छे से साबूदाना। क्योंकि जब हम बनाएंगे ना तो ये काफ़ी स्टिकी स्टिकी बनेगा अगर ज़्यादा इसमें पानी होता है। तो साबूदाना इतना हो कि बस वो खिले खिले से भींग फूलने के बाद दिखे, तो वो चिपकेंगे नहीं आपस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबूदाना की खिचड़ी बनाना। तो बहुत से लोग हैं ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पीनट ऐड करते हैं, मैं भी ऐड करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पीनट वाला बनाऊंगी, थोड़ा सा विदाउट पीनट वाला बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पीनट को रोस्ट कर लिया है, और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल लिया है मैंने पैन में, जीरा लिया है, और इसमें आलू जाएगा हमारा, आलू को फ्राई करेंगे अच्छे से। और इसमें हाँ करी पत्ता भी मैंने ऐड किया है, वो मुझे बाद में याद आया था, तो मैंने करी पत्ता इसमें ऐड किया है और टमाटर चॉप करके ऐड किया है। फिर इसमें लाल मिर्च और नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के हम इसे पकाएंगे। जब आलू अच्छे से गल जाए फिर वो जो साबूदाना हमने भिगोए थे ना उसको वॉश करके वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको तब तक इसको पकाना है, घुमाते रहना जब तक कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो वो अच्छे से पक जाता है, प्रॉपर गल जाता है, और साबूदाना भी काफ़ी खिले खिले बनते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी डिश है ये, और हेल्थ वाइज भी अच्छी है। साबूदानों को चलाते चलाते ये तो ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं और अच्छे से पक जाते हैं। और इसे मतलब खुला ही पकाओ तो ज़्यादा अच्छा पकता है, खिले खिले बनते हैं। फिर लास्ट में 5-10 मिनट पहले थोड़ा सा इसको सिम करके ढक्कन से ढक्कन लगा देना है। तो बस मेरे साबूदाना बन गए हैं, ऊपर से मैंने धनिया ऐड कर लिया है, और इसके बाद मैं थोड़े से विदाउट पीनट लूँगी और थोड़ा पीनट के साथ बनाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया हस्बैंड को मेरे पीनट नहीं पसंद है। हमारी साबूदाना खिचड़ी रेडी है और हम करेंगे इनसे एंजॉय। सो गाइस मिलते हैं एक फिर से एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।